सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 100 साल की बुजुर्ग महिला पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। महिला का कहना है कि वह पीएम मोदी के नाम अपनी 25 बीघा जमीन करने को तैयार है। इस बुजुर्ग महिला का नाम मांगी बाई, वह जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर हरिपुरा जागीर गाँव में रहती है। उन्होंने कहा, मोदी मेरा बेटा है, उसने गेहूँ चावल खाद बीज दिया है, फसल खराब होती है तो मुआवजा देता है, विधवा पेंशन मिल रही, तीर्थ यात्रा करा दी, इलाज भी करा रहा है, रहने के लिए कॉलोनी में घर दिया है। मांगी बाई ने आगे कहा, मैंने पीएम मोदी को सामने से नहीं देखा, टीवी में देखा है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ी पेंशन और बढ़ा दे। मांगी बाई ने आगे कहा, मेरे 14 बच्चे, 2 बेटे और 12 बेटी, लेकिन सबसे प्यारा मुझे मोदी, वह जितना मेरे काम आ रहा है उतना 14 बच्चे भी नहीं आ रहे। मैंने मोदी की तस्वीर अपने घर की दीवार पर लगाई, हर रोज सुबह उसी की तस्वीर देखती हूँ। मैं अपनी 25 बीघा जमीन पीएम मोदी को दूंगी, वही हम सबको पाल पोस रहे हैं। मांगी बाई ने कहा, पीएम मोदी को वोट देना, यही बात मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, पीएम मोदी ही हम सबको कोरोना से बचाएं। लोगों की भलाई करते करते मेरा बेटा बुजुर्ग हो गया है। बता दे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 9 साल पूरे होने के मौके पर विकास योजना के पत्रक बांटने बीजेपी कार्यकर्ता हरिपुरा जागीर गांव पहुंचे थे। इस दौरान वह मांगी बाई के घर भी गए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर पत्रक पीएम मोदी का हो तो ही देना, किसी और का नहीं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांगी बाई से बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब यह वायरल हो रहा है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।